आज आईपीएल के 8वें मैच में विराट की बल्लेबाजी का मुकाबला अश्विन की गेंदबाजी से होगा। अपने पहले मैच में हार झेल चुकी आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहली जीत का स्वाद चखना चाहेगी। वहीं पिछले मैच में दिल्ली को 8 विकेट से हराने वाली पंजाब भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। पंजाब का बैटिंग अटैक काफी मजबूत नजर आ रहा है। पिछले मैच में केएल राहुल ने मात्र 14 गेंदों में 50 रन जड़कर दिल्ली के हाथ से मैच छीन लिया था। क्रिस गेल, युवराज सिंह, एरोन फिंच भी अपना कमाल दिखाकर मैच का पासा पलटने में सक्षम है। आपको बता दें कि गेल ने इसी मैदान पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो पंजाब के कप्तान आर अश्विन खुद एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। इसके अलावा टीम के पास मुजीबुर रहमान, मोहित शर्मा, अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिससे बेंगलोर के लिए पार पाना मुश्किल होगा। वहीं अगर आरसीबी की टीम की बात करें तो उसे अपने पहले ही मैच में कोलकाता से हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए आरसीबी की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। आपको बता दें कि आरसीबी ने इसी मैदान पर आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा 263 रन बनाया था और वह जरूर चाहेगी कि उसके बल्लेबाज एक बार फिर से ऐसा कारनामा करें। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो ब्रेंडन मैकुलम, डिविलियर्स, खुद कप्तान विराट कोहली जैसे धमाकेदार बल्लेबाज हैं, जो अपने दम पर किसी भी मैच का रुख आसानी से मोड़ सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में आरसीबी को उमेश यादव और क्रिस वॉक्स के अलावा अपने दो स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर से काफी उम्मीदें रहेंगी। पिछले मैच में आरसीबी के दोनों स्पिनर गेंदबाजों ने 77 रन खर्च किए थे। वह जरूर इस मैच में अपने आंकड़ों को सुधारना चाहेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों का अब तक का मुकाबला 20 बार हुआ है, जिनमें 12 मैच पंजाब ने जीते हैं और 8 मैच में आरसीबी को जीत मिली है।